हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये स्टॉक मार्केट क्लास के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड, जिसका नेस शॉर्ट कोड है। यस बैंक के बारे में तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यस बैंक के शेयर प्राइस, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस और कुछ स्टॉक मार्केट बेसिक या इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। तो इन सभी के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर टोटली बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर से एंड तक देखिए। बात करेंगे इस बैंक लिमिटेड शेयर प्राइस, तो वो आपके स्क्रीन के सामने है, चाहे वो नेगेटिव या परसेंटेज आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात कर उसकी फाइनेंशियल खोलें, तो फाइनेंशियल के अंदर अगर आप चले तो यस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह पाउंड की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 के अंदर जो एक कॉर्पोरेट आप मान सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। अभी के सीईओ इनके प्रशांत कुमार है। और अगर बात करें एम्प्लॉय के अंदर 24 से 25 हज़ार के बीच में क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए, तो जून 22 का अगर रेवेन्यू देखा जाए, बाकी सब इसके देखा जाए, बाकी इन्फॉर्मेशन तो सभी हमें पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब ग्रीन में देखने को मिलती है। मार्च के अंदर कई ग्रीन में थी, लेकिन एक चीज़ नेगेटिव थी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी, वो अब की बार फिर से प्रॉफिट में हुई। दिसंबर 21 की बात करी जाए तो वो भी अक्सर सभी ही पॉजिटिव, तो स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ही देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कुछ आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर आप पहले इन्वेस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके पोर्टफोलियो एडवांटेज में रहती है, क्या बिगनर्स टैक्स रहने वाले, और जो मेरी फेवरेट कंपनीज है अलग अलग सेक्टर की, उन सभी के ऊपर भी बात करते हैं। तो पहले अगर मैं बात कर लो, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आना है तो आपको पहले डीमैट अकाउंट पे ट्रेडिंग अकाउंट और वो भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ खुलवाना पड़ेगा आपको, और वो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा और बात कर ली जाएगी। क्या एक एडवांटेज स्टेप्स जो ले सकते हम, जिससे आपकी जो स्टॉक है उसमें कम से कम लॉस हो, तो एक राइट इन्वेस्टमेंट आपको बाय करना चाहिए और इनविजिबल स्टॉक की जगह ज़्यादातर स्टॉक्स पे जा सकते हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। आपको एक अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक लेना चाहिए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास लॉस हो सकता है ये होने वाले टाइम में, और आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ज़्यादातर स्टार करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करूंगा मेरी कुछ फेवरेट सेक्टर की कंपनी, उनके बारे में भी अगर हम ओवरऑल देख ले तो बात कर लीजिए। मेरे ओवरऑल सेक्टर की कंपनी जैसे मैं फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड को ज़्यादा इंपोर्टेंस देता हूँ। आईटी सेक्टर से बात करूँ तो कोफ्रिज और इन्फोसिस लिमिटेड को देता हूँ, और फूड सर्विस या FMG सर्विस से मैं जो ब्लैंड फूड को ज़्यादा इंपोर्टेंस देता हूँ लॉन्ग टर्म सेक्टर के हिसाब से। तो ये कुछ मेरी एडवांटेज थी, स्टॉक मार्केट की टिप्स थी या कुछ भी मान सकते हैं। बाकी अगर आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट चार टाइप की, ये शेयर्स, प्रॉपर्टी, कैश, फिक्स इंटरेस्ट और बाकी इन्वेस्टमेंट, जिससे मैंने आपको सक्सेसफुल्ली बता चुका हूँ, ये मेरी कोई सक्सेस टिप्स हैं जिन्होंने मैंने भी उनको फॉलो करके एक अच्छा खासा बिजनेस से अब इंटरमीडिएट तक जा सकता हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक की रखता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन।